खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के फैसला के बाद जो है अब ओबीसी महासभा के द्वारा विरोध प्रदर्शन की जालग है, जहां वह सिलसिला में सीधी में आज विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे के मामला सामने आवा है। तो विदेश गई है पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंजीयन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के, जहां प्रमुख बताया थी 27% आरक्षण दिन जाए की थी माँ कले के ओबीसी महासभा सड़कन में उतरा और दुकान का जो है बंद करावागा और अपन विरोध जतावे के प्रयास करेंगे। आपने पता बताया दी ओबीसी के जो प्रवक्ता रहे उनका कहा रहा कि एकर जो आरक्षण रहा और आरक्षण न दिन जाए के चलते अब एकर असर जो है चुनावन में सीधा सीधा दिखाई। सातवां अपना पचक बता दी रैली जो है सीधी के प्रमुख चौराहन से निकाल के अंत में कलेक्ट्रेट पहुंची और सातवां सभी दुकानदारन से जो है विनती और अनुनय भाव से जो है दुकानन का बंद करे के बात कही गई। सबसे बड़ी बात कि ओबीसी आरक्षण का लेके पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा है और हालात यह है कि यह आरक्षण प्रक्रिया का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधे सीधे यह कहा गया कि आरक्षण तो दे लेकिन 50% से ज़्यादा ना हो चाहिए। अब ओ माँ जो है कहो न कहो ओबीसी महासभा और कांग्रेस के द्वारा यह विरोध जो है ए माँ कांग्रेस के कहा यह है कि ओबीसी महासभा के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहा है ए माँ कांग्रेस जो है ए माँ सहयोग करी कांग्रेस से का सहमति प्रदान कर थी कांग्रेस ए माँ साथ माही तो सीधे सीधे समझा जाए कि कांग्रेस ओबीसी महासभा के द्वारा आज प्रदेश व्यापी जो है कहा जाए प्रदर्शन के आयोजन रहा जौने माँ सीधी माँ यह प्रदर्शन कीन का दुकानन का बंद करावे के जो है माँ कीन गए दुकान लगभग लगभग बंद हो रही। तो सुनी जो है प्रवक्तन के पूरा बयान आप और अपने परिवार के रख बहुत ख्याल धन्यवाद प्रणाम। ये बताइए आज ये आप ओबीसी महासभा द्वारा बंद का आह्वान क्यों किया गया है? ये पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन है जिसके तहत ओबीसी महासभा पूरे प्रदेश में विभिन्न संगठनों के माध्यम से आज बंद का आयोजन कर रही है। अभी हाल में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नगरी निकाय का चुनाव है उसमें ओबीसी का जो आरक्षण है 27 से घटाकर 14 कर दिया गया है। हमारी मांग है कि हमारी जितनी जनसंख्या है जितनी हमारी संख्या के आधार पर नया जातिगत जनगणना करा करके और हमारा आरक्षण लागू किया जाए। सरकार जो है तो अपना ट्रिपल टेस्ट में फेल हो गई है, उसने सुप्रीम कोर्ट में हमारे डाटा नहीं रखी जिसकी वजह से हम लोगों को 14% माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है जो हमें स्वीकार नहीं है। हम सरकार से दबाव बनाना चाहते हैं कि वो हमारी जातिगत जनगणना करा ले और अपना आंकड़ा रख दे जिससे हमें जो है तो 35% सरकार ने कहा था कि 35% हम लोगों को आश्वासन दिया था लेकिन 35 क्या 14 हो गया, आधा हो गया। तो हमारी मांग ये है कि हमें जो है तो आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले। अभी चुनाव कोर्ट का फैसला आने के पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों कहती थी कि हम 27% आरक्षण देंगे, अब ऐसी स्थिति में क्या है, क्या देंगी बीजेपी और कांग्रेस? हमको तो ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी तो अभी सत्ता में है ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सब कुछ है, यहाँ से राष्ट्रपति से लेके मुख्यमंत्री भी हैं उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के जज हैं, उन्हीं के मजिस्ट्रेट हैं, सब उन्हीं के हैं। हमको ये उम्मीद नहीं लगती कि भारतीय जनता पार्टी हमारा आरक्षण देगी। ऐसे में क्या लगता है ओबीसी को न्याय मिल पाएगा? हम लोग संघर्ष करेंगे, अनवरत संघर्ष करते रहेंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये जो आरक्षण है इसका असर क्या आने वाले चुनावों में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महासभा जिंदाबाद।